चलिए बेटा, आज हम लोग देखने जा रहे हैं ब्रिज इंजीनियरिंग। देखो, ब्रिज इंजीनियरिंग क्या था, ऑलरेडी बहुत छोटा टॉपिक है, तो इसके लिए पूरा पूरा एक सेशन लगा पाना बेकार है। ठीक है, इसके लिए क्या है, आधे घंटे की सेशन रिकॉर्ड कर देता हूँ, ताकि आप लोग इसको सुन भी लोगे ना तो काम हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ ब्रिजेस से। देखो, आप लोग को ट्रांसपोर्टेशन की बुक तो दी है मैंने। ओके, नाउ बुक में तो सब कुछ दिया हुआ है, बट आपको जो मेन मेन क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, उन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको पूरा पूरा वो टॉपिक पढ़ा देता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ ब्रिजेस से। नाउ ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि पूरा पूरा हमने ब्रिज का कंपोनेंट बना के रखा हुआ है। ये हमारा पूरा ब्रिज है, ठीक है, ये हमारे पियर्स है जिसके ऊपर पूरा ब्रिज सपोर्टेड है, ये हमारा कॉन्क्रीट का फाउंडेशन है। नाउ जो भी ब्रिज के नीचे का हिस्सा है, जहां पे पियर है, फुटिंग्स हैं, ये सब है, इन सब सब स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग। और जितना भी इसके ऊपर का स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। नाउ पूरे के पूरे सब स्ट्रक्चर का काम होता क्या है आखिरकार, अगर हम लोग बोले कि भैया सब स्ट्रक्चर काम होता क्या है, सब स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का काम करता है। यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, ये पूरा का पूरा जो सब स्ट्रक्चर है, ये पूरे के पूरे सुपर स्ट्रक्चर को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने का काम करता है, और कुछ भी काम नहीं है इसका। ठीक है, अब सब स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं सब स्ट्रक्चर के अंदर, बताया कोई मुझे, बताइए। देखिए, पियर्स होते हैं इसके अंदर, फिर अबटमेंट्स होते हैं। अबटमेंट कहाँ पे होंगे, तो इस एंड पे आपके अबटमेंट दिखाई देंगे जो स्टार्टिंग और लास्ट एंड पे होते हैं हमारे, जिस पे सपोर्ट होता है पूरा ब्रिज का। ठीक है, फिर अभी आपको विंग वॉल बताऊंगा आपको, ये भी आपका पूरा का पूरा इसी के अंदर आ जाएगा, फुटिंग पूरा का पूरा सब स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। तो ये सारे कंपोनेंट आपके सब स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन होंगे, बीम्स आएगा, ठीक है, बीम्स के बाद गर्डर्स आएंगे आपके, गर्डर्स के बाद क्या आएगा आपका तीसरा कंपोनेंट, आर्चेस आएंगे, अगर केबल स्टे ब्रिज है तो केबल्स भी आएंगे वहां पे। ओके, फ्लोरिंग भी आएगा वहीं पे आपका, क्योंकि ये भी सुपर स्ट्रक्चर में ही होता है। ठीक है, हैंडरेल्स वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आएंगे, तो ये सब सुपर स्ट्रक्चर में हो गया। सब स्ट्रक्चर में क्या क्या आया आपका, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ सब स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा आपका। देखिए, सब स्ट्रक्चर में आपका आ जाएगा पियर। ओके, तो ये सब का सब किस में आ गया, हमारा पूरा पूरा ब्रिज के अंदर आ गया। नाउ मूव करते हैं, ये हमारा एक और डायग्राम है पूरा का पूरा सब स्ट्रक्चर का। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप तो देख पा रहे हो अगर आप यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा ब्रिज है हमारा। यहाँ पे बीम स्ट्रीट नाम से आपको एक चीज दी गई है, ये क्या होता है, जहां पे पूरा का पूरा ब्रिज अबटमेंट के ऊपर आके रेस्ट करता है ना, या जो भी हमारा स्लैब है पूरे ब्रिज का, वो जहां पे भी आके अबटमेंट के ऊपर रेस्ट करता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हमको बीम सीट प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, नाउ इस तरफ पूरे में सॉइल भरी होगी, तो यहाँ पे हम लोग जो वॉल बनाते हैं, आपने देखा होगा जहां से ही ब्रिज शुरू होता है ना, वहां पहले ही एक वॉल बना दी जाती है इस टाइप से, ताकि ये पूरे के पूरे मिट्टी को होल्ड करके रखें। अदरवाइज क्या होगा, अगर वहां सॉइल इरोड हो गई तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा। ओके, सिमिलरली ये स्टेम पोर्शन है, ये हमारा फुटिंग पोर्शन है। और अच्छे समझना हो तो ये डायग्राम इसके सबसे बेस्ट डायग्राम है, देखिएगा ध्यान से। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका पूरा अबटमेंट है, ये पूरा अबटमेंट है जो कोने में, जहां पे हम लोग जहां से ब्रिज शुरू होता है जहां खत्म होता है, वहां पे हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अबटमेंट। और ये हमारा ब्रिज है, अब ब्रिज को सपोर्ट किया है अबटमेंट के ऊपर, तो यहाँ क्या दिया है हमने, यहाँ पे ब्रिज सीट दिया हुआ है हमने। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है हमने, ब्रिज सीट दिया हुआ है हमने। ठीक है, इस साइड में आपको जो वॉल दिख रही है, ये वाली पूरी वॉल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पूरे को विंग वॉल बोलते हैं। ठीक है, नाउ इस विंग वॉल का काम क्या होता है, देखिए दो वॉल्स होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये जो वॉल है इसको विंग वॉल कहते हैं, और जो यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन में ये जो वॉल दिख रही है, ये वाली पूरी की पूरी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बैक वॉल, जो हमने पीछे भी पढ़ा। अब दोनों का काम सिर्फ इतना है कि जितना भी सॉइल है ना इस वाले पोर्शन में, इस पूरे को होल्ड करके रखने का, अगर ये होल्ड नहीं करके रख पाई सॉइल को, क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे विंग वॉल प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे बैक वॉल प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है कि ब्रिज शीट क्या है, यहाँ पे आप पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ऊपर लाके रेस्ट करवा रहे हो अबटमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको एक ब्रिज शीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको किससे डिनोट किया गया, लेटर ए से डिनोट किया गया है। विंग वॉल क्या है आपका, तो ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाया मैंने, जो एरो से शो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज विंग वॉल। बैक वॉल क्या है, ये वाला वॉल जो आपका पूरा का पूरा, इसको बैक वॉल कहते हैं, यहाँ पे बी से शो किया गया है हमने पूरे के पूरे बैक वॉल को। पाइल क्या है यहाँ पे, पाइल इस अबटमेंट को ही हम लोग पाइल बोल रहे हैं, जो लेटर सी से शो किया गया है, ये पूरा का पूरा पाइल है। और ये डी क्या शो कर रहा है, ये फुटिंग को शो कर रहा है, जो कि पूरे के पूरे इस स्ट्रक्चर के लोड को ग्राउंड पे ट्रांसफर कर रहा होगा। ओके, अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा वाटरवे है। अब वाटरवे क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा पूरे ब्रिज के नीचे एक एरिया होता है जहां से पानी आराम से फ्लो कर सकता है, उसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटरवे कहते हैं। तो यहाँ लिखा भी हुआ है डेफिनेशन में
एरिया थ्रू विच वॉटर फ्लोज अंडर अ ब्रिज स्ट्रक्चर इज नोन एज वॉटर वे। नाउ क्यों दिया जाता है इसको, क्यों? अगर देखो वाटर का जो फ्लो है ना वो एक नेचुरल फोर्स है, नेचुरल फोर्स, और कभी भी ना ये इम्पॉसिबल है कि आप नेचुरल फोर्स को विद द हेल्प ऑफ मैनमेड फोर्स आप रोक पाओ। तो क्या होता है, अगर हम लोग कभी भी सोचते हैं कि भाई एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दें जिससे हम लोग नेचुरल फोर्स यानी वाटर के फ्लो को रोक दें, पॉसिबल ही नहीं है यार। वाटर इतना ज्यादा प्रेशर मारेगा ना कि पूरा का पूरा वो स्ट्रक्चर ही तोड़ डालेगा। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं भाई कि एक एरिया प्रोवाइड कर दो, मान लो ये ब्रिज है, तो हमने क्या कहा यहाँ पे ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना यहाँ पे पूरे में अलाउ करो कि पानी को फ्लो करता रहे। क्यों? अगर हमने इसको रोकने की कोशिश की तो पूरा का पूरा ब्रिज ही हमारा कोलैप्स कर जाएगा। ओके, नाउ एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, क्या इस पे क्वेश्चन आया है, द फ्री बोर्ड फॉर हाई लेवल ब्रिजेस शुड नॉट बी लेस देन 600 mm। नाउ ये क्वेश्चन कहाँ है, तो जरा अगर आप लोग ध्यान से देख पाए मैं आप लोग बताता हूँ ये क्वेश्चन कौन से साल आया हुआ है और आप लोग के पेपर में भी दिया हुआ है। ये देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। देखिए जो अभी लास्ट में अपना पेपर हुआ था ना जून जुलाई वाला, जिसका सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड किया था, वहां पे क्वेश्चन आया था, द मिनिमम क्लियरेंस फ्रॉम द एज ऑफ द बेयरिंग प्लेट टू द पियर एज शुड नॉट बी लेस देन, वैल्यू कितनी थी, 600 mm थी। ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से पूछा गया, थोड़ा सा इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है आपसे, ठीक है। नाउ अगर कभी भी आपको एरिया निकालना है कि भाई कितना एरिया हमको देना है वाटर वे का, तो टोटल डिस्चार्ज देख लीजिए कितना फ्लो हो रहा है और उसकी परमिसिबल वेलोसिटी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना एरिया आपको प्रोवाइड करना है ब्रिज के नीचे फॉर वाटर वे। ओके, जो हमारी परमिसिबल वेलोसिटी है वी, ये कुछ चीजों पर डिपेंड करती है, किस पे, टाइप ऑफ सॉइल पे। नाउ फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ सॉइल हमारे पास परमिसिबल वेलोसिटी की वैल्यू भी अलग अलग है। क्ले के लिए परमिसिबल वेलोसिटी 2.10 है, सैंडी क्ले के लिए 1.5 है, वेरी फाइन सैंड के लिए 0.6 टू 1.5 है, सिमिलरली फाइन सैंड के लिए 0.9 टू 1.5 है, एंड फॉर फाइन ग्रेवल 1.5 टू 1.8 के बीच में है। तो ये हमारी परमिसिबल वेलोसिटी है, थोड़ा याद रखना क्योंकि इस बार चांसेस है कि यहां से जीपीएससी क्वेश्चन उठा सकता है। ओके, और ये सब आपकी थ्योरेटिकल बुक से ही लिया हो गया डेटा, तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज इसको फटाफट से खत्म करो और जल्दी से क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लो। 18-19 क्वेश्चन है, अगर आप ये पूरा लेक्चर भी देख लेते हो तो आपके पूरे के पूरे ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन, 60-70% क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, और एक बार क्वेश्चन भी लगा लो फटाफट से ब्रिज इंजीनियरिंग के। ओके, नाउ अफ्लक्स क्या होता है, देखो अफ्लक्स क्या होता है, मान लो यहाँ पे एक नदी बह रही थी या एक पानी का वाटर बॉडी था जो बह रहा था, अगर यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं होता तो क्या होता, ये लेवल था ब्रिज का, सॉरी पानी का लेवल ये था, अगर कोई ब्रिज नहीं होता तो इस लेवल पे पानी फ्लो कर रहा था पूरे के पूरे रिवर में या जो भी वाटर बॉडी थी उसमें। ना हुआ क्या, हमने यहाँ पे ब्रिज बनाने के लिए एक पियर कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये दिख रहा होगा आपको ये वाला पियर जो हमने कंस्ट्रक्ट किया। अब जैसे पियर कंस्ट्रक्ट करोगे क्या हो जाएगा भाई, एक तरफ पानी का लेवल जो अपस्ट्रीम साइड है यहाँ पानी का लेवल थोड़ा सा राइज कर जाएगा और डाउन स्ट्रीम साइड थोड़ा सा लेवल नॉर्मल लेवल के आसपास रहेगा लाइक दिस, है ना। तो ये जो लेवल अप हुआ है ना पानी का यहाँ पे एक्चुअल लेवल से, जो लेवल अप हुआ है पानी का, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पियर का कंस्ट्रक्शन कर दिया जिसकी वजह से पानी का लेवल अपस्ट्रीम साइड थोड़ा सा बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड एज अफ्लक्स। क्या बोलता है डेफिनेशन में, द फिनोमेना ऑफ हेडिंग अप ऑफ वाटर ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द ब्रिज इज कॉल्ड अफ्लक्स। ओके, अपस्ट्रीम साइड पर जो होगा वही अफ्लक्स कहलाता है, और इसी को हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं हाईएस्ट फ्लड लेवल। आपने देखा होगा जब भी आप ब्रिज के आसपास से गुजरे होंगे तो वहां पे ना साइड में एक स्केल बना होता है, मेजरिंग स्केल, और एक लाल कलर की ऊपर लाइन खींची होती है जिसको लिखा होता है HFL, दैट इज द हाईएस्ट फ्लड लेवल। क्यों हमेशा हाईएस्ट फ्लड लेवल मार्क किया जाता है, क्योंकि जब आप ब्रिज बनाओगे ना तो आप हमेशा सोचते हो कि जो ब्रिज का स्लैब है ऊपर का वो HFL से ऊपर है, नहीं तो होगा क्या, जब फुल फ्लेज में पानी आएगा वहां पे, जब एकदम फुल लेवल भर के पानी आएगा हाईएस्ट फ्लड लेवल के बराबर, और अगर आपने ब्रिज का स्लैब यहां कहीं बना दिया तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्रिज पानी में डूब जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट फ्लड लेवल मार्क करते हैं, और ब्रिज का जो स्लैब है उसको जनरली इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि वो पानी में सबमर्ज ना हो जाए। क्लियर, और भी चीजें लिखी हुई हैं, बोलता है व्हेन अ ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड इट्स कंपोनेंट लाइक अबटमेंट एंड पियर कॉज द रिडक्शन ऑफ द नेचुरल वाटर वे। सीधी सी बात है भाई, अगर आपने पियर या अबटमेंट यहाँ कंस्ट्रक्ट करते हो तो जो भी नेचुरल फ्लो था पानी का उसको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा ना, उसकी वजह से क्या होता है एकदम से वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे लेवल राइज हो जाएगा इस तरफ। इसे लिखता है दिस इंक्रीज वेलोसिटी गिव्स टू अ सडन हेडिंग अप ऑफ वाटर ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द स्ट्रीम और रिवर, दिस फिनोमेना ऑफ हेडिंग अप ऑफ वाटर इज नोन एज नथिंग बट द अफ्लक्स। ओके, बहुत जरूरी है डिटरमाइन करना अगर आप एक सेफ डिजाइन ऑफ द ब्रिज बनाना चाह रहे हो, क्यों, क्योंकि यही आपको हाईएस्ट फ्लड लेवल बताता है। अगर आप हाईएस्ट फ्लड लेवल को ही ढंग से डिजाइन नहीं कर पाए
तो फिर तो ब्रिज ढंग से डिजाइन हो ही नहीं सकता। क्लियर। नाउ मूव करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रिजेस पे, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा, सबसे पहला है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। जैसे जैसे टाइप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर होंगे उसके हिसाब से हमने क्लासिफाई कर दिया। जैसे कि अगर डायग्राम देख पा रहे हो आप, तो यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर में क्या आर्च है, तो ये आर्च ब्रिज कहला गया। यहाँ गर्डर है, ये देखो आप, तो ये गर्डर ब्रिज कहला गया। यहाँ ट्रस है, तो ये ट्रस ब्रिज कहला गया। यहाँ पे केबल है, तो ये केबल ब्रिज कहला गया। तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है। आर्च ब्रिज क्या है? आर्च ब्रिज इज कर्व शेप ब्रिज इन विच द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज डेवलप्ड। ये तो आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ा ही हुआ है कि क्यों आर्च हमारे नॉर्मल बीम वाले ब्रिजेस के मुकाबले अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जनरेट होता है, जिसकी वजह से एक एडिशनल रिएक्शन मिलती है हमको नेगेटिव में, जो कि बेंडिंग मोमेंट कम करती है। बेंडिंग मोमेंट को कम करेगी तो वहां पे जो क्रॉस सेक्शन चाहिए हमको वो भी पतले पतले बनेंगे और इकोनॉमिकल बनते हैं। ठीक है। सेकेंड आता है गर्डर ब्रिजेस। गर्डर ब्रिजेस में क्या होता है भाई? इन केस ऑफ गर्डर ब्रिजेस द डेक स्लैब इज सपोर्टेड बाय मींस ऑफ गर्डर। जितना भी स्लैब होगा वो आपका गर्डर पे सपोर्टेड होगा। जो नॉर्मल ब्रिजेस होते हैं हमारे यहाँ भी जो बन रहे हैं थ्रू आउट, वो सारे के सारे कैसे हैं? गर्डर ब्रिजेस हैं। ट्रस ब्रिजेस क्या होता है? यहाँ देख ही पा रहे होगे आप, ये पूरा ट्रस स्ट्रक्चर बना दिया जाता है और यहाँ पे पूरा ब्रिज होता है जिसको हम लोग, जिसके ऊपर आइदर व्हीकल रन करवाते हैं या ट्रेन को रन करवाते हैं। आप लोगों ने जनरली ट्रेन के लिए देखा होगा ऐसा, ठीक है, कोलकाता वगैरह में यहाँ पे व्हीकल्स भी रन करते हैं। ओके, लास्ट है सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज में क्या होता है भाई? केबल पूरा का पूरा सस्पेंडेड होता है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट एंड, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है ऐसा। और इसकी हेल्प से यहाँ पे सस्पेंडर्स बांधे जाते हैं, देखो आप ये, और ये पूरे के पूरे ब्रिज को क्या करते हैं भाई? होल्ड करके रखते हैं ये पूरे के पूरे ब्रिज को, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग केबल स्टे ब्रिज कहते हैं इसको, ठीक है, और सस्पेंशन ब्रिज भी कहते हैं। नाउ कहाँ देखा हुआ है आपने ऐसा ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज कहाँ देखा है बताओ मुझे? मुंबई में ब्रिज है, मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक है ना, उसको थोड़ा ध्यान से देखना, वो सेम ऐसे ही दिखता है, बांद्रा वर्ली सी लिंक। ओके, नाउ अगला आते हैं टाइप्स ऑफ ब्रिजेस बेस्ड ऑन स्पान। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? इससे क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। देखिएगा कौन सा क्वेश्चन आया है, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन कहाँ आया? आपका जो लास्ट पेपर होता है जिसका अपने सॉल्यूशन रिलीज किया था, वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें भी देखना, वहां पर मैंने बताया था ये चीज। ये सेम क्वेश्चन आया था, क्या? क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर विथ वाटर वे इन द रेंज ऑफ 6 मीटर टू 30 मीटर। नाउ कौन से रेंज में लाइक कर रहे हैं? इस वाले रेंज में लाइक कर रहा है कि अगर स्पान लेंथ 8 से 30 मीटर के बीच में है, यहाँ 6 से 30 मीटर दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ये कौन सा हो जाएगा ब्रिज? आपका माइनर ब्रिज कहलाएगा, ठीक है। ये पूरा पूरा स्पान लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, देखना जरा ध्यान से। अगर स्पान लेंथ 6 मीटर से कम का होता है तो इन्हें कलवर्ट ब्रिज कहा जाएगा। कैसे दिखेगा भाई ये? तो ये ऐसा दिखेगा, कलवर्ट ब्रिज, ठीक है। अगर स्पान लेंथ 8 से 30 मीटर के बीच में हो जाए तो इसे माइनर ब्रिज कहते हैं। कैसा दिखेगा भाई ये? तो ऐसा दिखेगा, ये माइनर ब्रिज। ओके, नाउ अगर स्पान लेंथ 30 से 120 मीटर के बीच में हो जाए तो इन्हें मेजर ब्रिज कहा जाता है। ये कैसे दिखाई देगा भाई आपको? लाइक दिस। ओके, और अगर स्पान लेंथ 120 मीटर से ज्यादा हो जाए तो इन्हें कहते हैं हम लोग लॉन्ग स्पान ब्रिजेस, जो कि आपका ऐसा दिखेगा। क्लियर है? ओके, नाउ अब आते हैं एज पर द अलाइनमेंट। नाउ अलाइनमेंट कैसा? मान लो आपका पानी रिवर बह रहा है और आपने ब्रिज को किस डायरेक्शन में प्रोवाइड किया उस रिवर के, उसके हिसाब से भी हमने पूरे के पूरे ब्रिज को क्लासिफाई किया है। नाउ अगर ये रिवर बह रहा है इस तरफ, ये इस तरफ रिवर बह रही है और आपने ब्रिज को इस तरह से 90 डिग्री पे आपने प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं स्ट्रेट अलाइनमेंट। सिमिलरली स्क्यू ब्रिज कैसा होता है? अगर यहाँ पे आपका पानी इस तरह से बह रहा है यहाँ पे और ये आपने ब्रिज प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, 90 डिग्री पे ना प्रोवाइड करें, कुछ और एंगल पे प्रोवाइड कर दें, दैट इज कॉल्ड एज स्क्यू ब्रिज। नाउ सेम का सेम क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में भी दिया है, द ब्रिज विच इज नॉट एट राइट एंगल टू रिवर इज कॉल्ड, ठीक है। नाउ इसका आंसर क्या होगा? जो राइट एंगल पे नहीं है, जो राइट एंगल पे नहीं है वो कौन सा हो गया? स्क्यू ब्रिज हो गया। सेम का सेम क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया हुआ है और सेम का सेम क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है, ठीक है। नाउ मूव करते हैं अगले पे, एज पर द लोकेशन ऑफ ब्रिज फ्लोरिंग। अब ब्रिज का फ्लोर कहाँ लोकेटेड है ना, उसके हिसाब से भी ब्रिज को क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला है डेक ब्रिज, ठीक है। डेक ब्रिज क्या है? जब हमने ब्रिज की फ्लोरिंग को सबसे टॉप में प्रोवाइड किया सुपर स्ट्रक्चर के, इट इज कॉल्ड एज डेक ब्रिज। ऐसा सबसे टॉप में हमने फ्लोरिंग को प्रोवाइड कर दिया, दे आर कॉल्ड एज डेक ब्रिज। थ्रू ब्रिज क्या होता है भाई? व्हेन द ब्रिज फ्लोरिंग इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड थ्रू ब्रिज। यहाँ देखिए, सबसे बॉटम वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे हमने फ्लोरिंग को प्रोवाइड किया है सुपर स्ट्रक्चर, सबसे बॉटम वाला हिस्सा है इस पे हमने फ्लोरिंग को प्रोवाइड किया है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज थ्रू ब्रिज। और लास्ट वन क्या है? अगर हम लोग इन बिटवीन, यानी
बॉटम और टॉप के बीच में अगर प्रोवाइड कर देते हैं फ्लोरिंग को, तो उसे कहते हैं हम लोग सेमी थ्रू ब्रिज। नाउ ये क्वेश्चन सेम का सेम आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6 होगा, देखिएगा। ब्रिज हुज फ्लोरिंग इज सपोर्टेड और सस्पेंडेड एट द बॉटम ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, कौन सा होगा भाई, जहां पे आपने ब्रिज के फ्लोरिंग को सपोर्ट किया है, कहां पे, एकदम बॉटम ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर में। तो बॉटम ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर कौन सा था बेटा, थ्रू ब्रिज था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज थ्रू ब्रिज। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे, बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ ब्रिज। नाउ सबसे पहला क्या होगा, एक्वाडक्ट ब्रिज। ये कहां प्रोवाइड किया जाता है, ऐसी जगहों पर जहां पे स्ट्रीम तो है पानी की, बट वो मोस्ट ऑफ द ईयर कैसी है, ड्राई रहती है। अगर उसके ऊपर हम लोग स्मॉल ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्वाडक्ट। इसलिए लिखा हुआ है, इट इज स्मॉल ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ओवर ए स्ट्रीम विच रिमेन्स ड्राई फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। जो जनरली ड्राई रहती है थ्रू आउट द ईयर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वाडक्ट ब्रिज कहते हैं, ठीक है। अगला आता है वायाडक्ट ब्रिज। इसमें क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर विच कैरीज अ रोड और रेलवे लाइक ब्रिज ओवर ड्राई वैली। नाउ आपने देखा होगा, जब आप जंगल एरिया से जल्दी गुजरते हैं तो वहां पे हम लोग ब्रिज प्रोवाइड करते हैं रेलवे के लिए, ठीक है, कभी कभी रोड के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और वो सिर्फ सपोर्टेड होते हैं कॉलम्स पे या पियर्स पे, आपको दिख रहा होगा इस टाइप से, और आजू बाजू कुछ भी नहीं होता, दे आर कॉल्ड एज द वायाडक्ट ब्रिज। यहाँ पे पूरा वैली के ऊपर हमने इस ब्रिज को बनाया होता है, ठीक है। ऐसा ही एक ब्रिज बन रहा है कहाँ पे, आपको पता होगा, ठीक है, कहाँ बन रहा है ऐसा एक ब्रिज, चेनाब रिवर के ऊपर भी ऐसा ही ब्रिज बनने जा रहा है। ग्रेट सेपरेटर क्या होता है, जनरली अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा हो कभी जीवन में, तो ग्रेट सेपरेटर क्या होते हैं, मान लो हमें फ्लाईओवर्स बनाने थे, अब फ्लाईओवर कैसे बनाया हमने, एक ऐसा बना दिया और अगला भी बनाना चाह रहे हैं क्रॉस करने वाला, बट देयर इज अ डिफरेंस लेवल। डिफरेंस लेवल कैसा होगा, अगर एक बन रहा है इतने लेवल पे एक ब्रिज, तो दूसरा बनेगा इस लेवल पे, और ये दोनों क्रॉस एक दूसरे को करते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रोफाइल में देखा हो तो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को यहाँ पे, ये दिख रहा होगा, बट दोनों के बीच में क्या है, एलिवेशन डिफरेंस है। इसकी वजह से कभी भी इनके बीच का कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पे दोनों एक दूसरे कोइंसाइड कर जाएं। हाँ, ये वाला जो है इसमें नीचे से निकल जाएंगे लोग और यहां से ऊपर से निकल जाएंगे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल डिफरेंस होता है, ये आपने कहां देखा है, यहाँ पे तो बड़ौदा में तो मैंने ऐसा कोई ब्रिज देखा नहीं है, ठीक है। बट अगर आप दिल्ली वगैरह में जाओगे ना, तो दिल्ली वगैरह में बहुत एक के ऊपर एक फ्लाईओवर बने हुए हैं, जहां पे क्या होता है, नीचे से भी गाड़ी जा रही है, ऊपर से भी गाड़ी जा रही है, उसके ऊपर से भी गाड़ी जा रही है, तो दे आर कॉल्ड एज ग्रेट सेपरेटर्स। ओके, नाउ हाईवे ब्रिजेस क्या होते हैं, जो जनरल ब्रिजेस है हमारे, जिसको हम लोग हाईवे ब्रिजेस बोलते हैं। अब हाईवे ब्रिजेस में क्या होता है, अगर आप इस ब्रिज के ऊपर से मूव कर जाओ, तो भाई सिंपल सिंपल से आप हाईवे पे रन करते जाओगे। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये भी दिख रहा होगा, ये वाला, यहाँ से क्या होता है, एक रोड नीचे की तरफ भी जाती है, जहां से आप विलेजेस में भी जा सकते हो। तो अगर आप कभी बड़ौदा से मध्य प्रदेश की तरफ जाओ, या आप कभी बड़ौदा से अहमदाबाद की तरफ जाओ, तो आपको बहुत सारे हाईवे ब्रिजेस मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मैंने साइड में, अगर आप चाहो तो इससे भी गूगल कर सकते हो। नाउ अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू HFL हाईएस्ट फ्लड लेवल के हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था हाईएस्ट फ्लड लेवल क्यों सेट करना है हमको। देखो, अगर हम लोग हाईएस्ट फ्लड लेवल को ढंग से सेट नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वाले ब्रिजेस सबमर्सिबल ब्रिजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या, जब भी पानी बहुत ज्यादा तेजी से आएगा, और जब पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, तो क्या करेगा, ये पूरे के पूरे ब्रिज को कवर कर देगा पानी से। दे आर कॉल्ड एज सबमर्सिबल ब्रिजेस। कौन से ब्रिजेस कहते हैं इनको, सबमर्सिबल ब्रिजेस, जिसमें हम लोग HFL को ज्यादा ध्यान में रख के नहीं बनाते हैं। ओके, अभी हमने देखा होगा बीच में बारिश हुई थी, तो बिहार के तरफ में ना एक आध ब्रिज थे जो पूरे के पूरे बीच में टूट गए थे पानी में डूबने के कारण से, यहाँ से, ओके, इसलिए टूट गए थे। तो ये वाले ब्रिजेस को जनरली हम लोग प्रिफर नहीं करते हैं। नाउ अगले ब्रिजेस कौन से, नॉन सबमर्सिबल ब्रिजेस हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारे नॉर्मल ब्रिजेस हैं, जहां पे हम लोग HFL को अच्छे से मार्क करते हैं कि यहाँ तक HFL था हाईएस्ट फ्लड लेवल, तो इसके इतने ऊपर हम लोग ब्रिज बनाते हैं ताकि कभी भी वहां तक पानी पहुंचे ना, और इन्हें ही हम लोग नॉन सबमर्सिबल ब्रिजेस भी कहते हैं। ओके, नाउ अगला है क्या, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्पान। जैसा भी आप टाइप ऑफ स्पान दे रहे हो, उसके हिसाब से ब्रिज क्लासिफाई हो जाएगा। जैसे सिंपली सपोर्टेड ब्रिजेस, सिंपली सपोर्टेड ब्रिजेस में क्या होता है बेटा, कि आप ना ब्रिज के गर्डर्स को सिंपली सपोर्ट कर देते हो पियर्स पे, ठीक है। एक पियर आपने यहाँ दे दिया, एक पियर आपने यहाँ दे दिया, और इसके ऊपर पूरे के पूरे गर्डर को डाल दिया। यहाँ पे कंटिन्यूस सपोर्ट नहीं होता कि बीच बीच में भी आप सपोर्ट प्रोवाइड करो, नहीं, यहाँ पे गर्डर्स के एंड पे ही सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। बट कंटिन्यूस ब्रिज में क्या होता है, थ्रू आउट द गर्डर हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे सपोर्ट्स को प्रोवाइड करते जाते हैं। ओके, नाउ अगला क्या है, कैंटिलीवर ब्रिज है। अब कैंटिलीवर ब्रिज कैसे होते हैं बेटा, एक एंड पे फिक्स्ड होंगे और दूसरे एंड पे जनरली फ्री होते हैं, ठीक, कैंटिलीवर्ड होते हैं। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, अ कैंटिलीवर ब्रिज इज फॉर्मड ऑफ कैंटिलीवर्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सपोर्टिंग पियर्स। देखो यहाँ पे सपोर्टिंग पियर्स कैसा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये सपोर्टिंग पियर्स है, यहाँ से कैंटिलीवर्ड है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी
क्या है आपका, पूरा का पूरा सपोर्टेड है और यहाँ पे ये कैंटिलीवर्ड एंड दिख रहा है इसका, तो दे आर कॉल्ड एज कैंटिलीवर्ड ब्रिजेस। ओके, एक और होता है बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों, क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर वजह से क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा बोलता है क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 13, अ फ्लोटिंग स्पान इज जनरली प्रोवाइडेड इन, यानी फ्लोटिंग स्पान कहां प्रोवाइड करता है, फ्लोटिंग स्पान ऐसा नहीं कि हवा में लटक रहा होगा मूव कर रहा होगा, ऐसा नहीं, मतलब जो फ्री है पूरा का पूरा, कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ फ्री है फ्लोटिंग स्पान, वो कौन से ब्रिज में होता है, तो जनरली होता है बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज में, किसमें होता है, बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज में। अब देखो यहाँ पे बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज कैसा होता है, एक सपोर्ट है यहाँ पे और इसके दोनों तरफ पे ना ये पूरा ब्रिज है, जितना वेट यहां से यहां तक का होगा उतना ही वेट यहां से यहां तक का होगा, तो ये क्या होता है, ये कभी भी गिरता नहीं है ये ब्रिज, इसीलिए इसको फ्लोटिंग ब्रिज भी कहते हैं और बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज भी कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है, कहाँ बनाया जाता है, जहां पे बीच में नदी वदी आ जाती है, रिवर सॉरी बहुत बड़ा वाटर बॉडी कोई आ जाता है, जहां पे हम सपोर्ट्स प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी जीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नाउ अगला क्या है भाई, नेविगेशन फैसिलिटी के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेविगेशन फैसिलिटी, सबसे पहला होता है स्विंग ब्रिज, सबसे पहला क्या होता है, स्विंग ब्रिज होता है। नाउ स्विंग ब्रिज का काम क्या होता है बेटा, देखिएगा यहाँ पे ये ट्रस दिख रहा होगा आपको, ये ट्रस पूरा का पूरा दिख रहा होगा आपको, ये क्या करता है, ये ऐसे ज्वाइन कर देता है जब इसका हमें जरूरत नहीं होती इसको, कि भाई यहाँ से कोई नीचे से हमें कोई व्हीकल वगैरह या हमें कोई शिप वगैरह पास नहीं करनी, हम लोग क्या करते हैं, ये इसको इस तरह से पूरा का पूरा कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही मान लो कोई बोट वगैरह आया या शिप वगैरह आई जिसको हमें यहाँ से निकालना है, क्या करेंगे, इसको पूरा रोटेट कर देते हैं, ये इस टाइप से रोटेट हो जाता है और रोटेट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ से पूरा स्पेस क्रिएट होता है जहां से वो बोट आराम से निकल सकती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्विंग ब्रिज। सिमिलरली सेकंड होता है बेस्क्यूल ब्रिज। बेस्क्यूल ब्रिज कैसा होता है, ये तो आपने जनरली देखा होगा, धूम पिक्चर में भी देखा होगा सब लोगों ने, ये बीच से ही उठ जाता है पूरा का पूरा ब्रिज, वर्टिकल प्लेन में ही ये उठ जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द बेस्क्यूल ब्रिज कैन बी लिफ्टेड टू परमिट द पैसेज ऑफ वेसल्स, यानी अगर वेसल्स वगैरह यहाँ से गुजर रहा है तो इसको उठा दिया जाता है ताकि पूरा का पूरा वो शिप निकल जाए वहां से। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखो आप प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नंबर 11, द डैश ब्रिज कैन बी लिफ्टेड टू परमिट द पैसेज ऑफ वेसल्स। ओके, नाउ अगर वेसल्स को आपको वहां से पास करवाना है तो कौन सा ब्रिज दोगे आप, तो आप बेस्क्यूल ब्रिज दोगे वहां पे, कौन सा दोगे बेटा, बेस्क्यूल ब्रिज दोगे। तो यहाँ पे आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी बेस्क्यूल। ओके, नाउ अगला क्या है, ट्रांसवर्सल ब्रिज है, इसमें क्या होता है, इनकेस ऑफ ट्रांसवर्सल ब्रिज इट इज सो अरेंज दैट द होल ब्रिज कैन बी फुल्ली और पार्शियली बी रोल्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड अक्रॉस द ओपनिंग, यानी यहाँ पे आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हो ट्रांसवर्सल ब्रिज को। ओके, द नेक्स्ट वन इज लिफ्ट ब्रिज, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पहले इस लेवल पे था, अब जैसे ही यहां से हमको कोई बड़ा शिप पास करना है हम लोग क्या करते हैं, इसको लिफ्ट कर देते हैं ऊपर की तरफ, तो दे आर कॉल्ड एज लिफ्ट ब्रिज। अगला क्या है, ट्रांसपोर्टर ब्रिज, ये दिख रहा होगा आपको, इसको हम लोग यहाँ से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए इसको यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टर ब्रिज। क्लियर, अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू द लाइफ ऑफ ब्रिज, ठीक है, अब लाइफ ऑफ ब्रिज कैसे थी, परमानेंट ब्रिजेस होते हैं, टेम्पररी ब्रिजेस होते हैं। नाउ कुंभ मेला सबके सब गए होंगे, कुंभ मेला में क्या होता है, हम लोग को ना टेम्पररी ब्रिज बनाना पड़ता है किसी वाटर बॉडी पे, तो दे आर कॉल्ड एज पॉन्टून ब्रिज। नाउ इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, पॉन्टून ब्रिज पे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप प्रीवियस ईयर में देखिएगा एक क्वेश्चन पॉन्टून ब्रिज पे भी आया हुआ है। सिमिलरली बोट ब्रिज, ठीक है, जो कि कहां पे, कोलकाता में है, रविंद्रनाथ सेतु। सिमिलरली फ्लाइंग ब्रिज, ठीक है, ये सब हमारे ज्यादा फेमस नहीं है, बट पॉन्टून ब्रिज पे क्वेश्चन आया, इसीलिए मैंने आपको बताया पॉन्टून में क्या होता है, इस टाइप के पॉन्टून्स को पानी में फ्लोट करवाए जाते हैं और इसके ऊपर पूरा का पूरा ब्रिज इस टाइप से कंस्ट्रक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज टेम्पररी ब्रिज। ओके, नाउ परमानेंट ब्रिजेस कौन कौन से होंगे, आरसीसी ब्रिज सारे परमानेंट होते हैं, मेसनरी ब्रिजेस सारे परमानेंट होते हैं, इवन स्टील ब्रिजेस भी सारे के सारे परमानेंट ब्रिजेस में ही काउंट होते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे तो हमारे खत्म हुए कौन कौन से, क्लासिफिकेशन पूरे खत्म होते हैं, अब कुछ आईआरसी के रिकमेंडेशन देखते हैं जिस पर क्वेश्चन आया हुआ है। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 5, क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरिड आउट फॉर ब्रिजेस हैविंग फॉलोइंग फीचर, एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन मिनिमम लेंथ ऑफ अप्रोचेस एट एंड्स ऑफ द ब्रिज इज 30 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर एंड 35 मीटर। ये कितना होता है, 15 मीटर। इसका मतलब क्या है, जो मिनिमम लेंथ है अप्रोचेस का एंड पे कितना होना चाहिए, एटलीस्ट तो कितना होना चाहिए,
15 मीटर होना चाहिए एज पर इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, नाउ आगे और भी कुछ लिखा हुआ देखिएगा, द अप्रोचेस ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रेट ब्रिज शैल हैव अ मिनिमम लेंथ ऑफ 15 मीटर एंड सुटेबली इंक्रीज्ड वेयर नेसेसरी टू प्रोवाइड मिनिमम साइड डिस्टेंस। नाउ मान लो 15 मीटर की भी हमने लेंथ दे दी और हमको साइड डिस्टेंस क्लियरली विजिबल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इसको और बढ़ाना पड़ेगा, बट मिनिमम जो आईआरसी बोलता है वो 15 मीटर ही बोलता है। ठीक है, अब बोलता है भाई इफ देयर इज अ चेंज ऑफ ग्रेडियंट, मान लो जब हम लोग अप्रोच डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे ग्रेडियंट चेंज हो रहा है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, सुटेबल वर्टिकल कर्व शैल बी इंट्रोड्यूस एज पर आईआरसी 23। ओके, सिमिलरली क्या बोलता है, अ सिंगल वर्टिकल कर्व शैल बी प्रोवाइडेड फॉर ब्रिजेस हैविंग अ टोटल लेंथ ऑफ 30 मीटर। अगर 30 मीटर की लेंथ है ब्रिज की तो एक सिंगल वर्टिकल कर्व देते तो काम चल जाएगा। ओके, नाउ अब आते हैं स्टील ब्रिजेस के ऊपर। स्टील ब्रिजेस का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में। अगर स्पान 10 मीटर तक का है स्टील ब्रिज का, दे आर कॉल्ड एज रोल्ड स्टील बीम ब्रिजेस। अगर स्पान 10 से 40 मीटर का है, दे आर कॉल्ड एज प्लेट गर्डर ब्रिजेस। एंड अगर स्पान आपका 40 मीटर से ऊपर का हो जाए, दे आर कॉल्ड एज ट्रस्ट ब्रिजेस। ओके, सो सिंपल क्लासिफिकेशन है, इतना याद रखो, जीपीएससी के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मूव करते हैं इकोनॉमिक स्पान ऑफ ब्रिज पे। इसमें पढ़ना क्या है आपको, तो इसमें सब कुछ आपके लिए लिख दिया है मैंने, बट जो काम की चीज है वो ये लास्ट की लाइन है जो मैंने यहाँ पे बोल्ड में लिखी हुई है। क्या बोलता है, द कॉस्ट ऑफ होल ब्रिज इज अ मिनिमम व्हेन द कॉस्ट ऑफ वन पियर, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, द कॉस्ट ऑफ वन पियर एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रसेस एंड ब्रेसिंग करस्पॉन्डिंग टू वन स्पान आर इक्वल। यानी अगर आप एक स्पान के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो एक पियर को बनाने की जो कॉस्ट जाती है वो बाकी सारे एलिमेंट्स को बनाने की जो कॉस्ट है उनके बराबर अगर होगी तो वो आपका एक इकोनॉमिकल ब्रिज बनेगा। नाउ इस पे क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द स्पान ऑफ द ब्रिजेस इज सेट टू बी इकोनॉमिकल व्हेन व्हेन द कॉस्ट ऑफ पियर इज इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ वन स्पान। सपोर्टिंग सिस्टम में कौन कौन आ गए, कॉस्ट ऑफ ट्रसेस आ गया, ब्रेसिंग्स आ गए और बाकी भी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ वन पियर बराबर है कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग सिस्टम के तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिकल स्पान ऑफ ब्रिज और इकोनॉमिकल ब्रिज। क्लियर, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट जो कि है हमारा स्टैंडर्ड लोडिंग्स इन रोड ब्रिजेस। और थोड़ा ध्यान सुनिएगा, चार टाइप की लोडिंग होती है, आईआरसी क्लास AA लोडिंग, क्लास A लोडिंग, क्लास 70R लोडिंग एंड क्लास B लोडिंग। नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिएगा, अभी जो पेपर हुआ था रिसेंटली जो नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट, इसका सॉल्यूशन भी मैंने रिलीज किया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, एज पर आईआरसी विच टाइप ऑफ ब्रिज लोडिंग इज टू बी अडॉप्टेड विद इन द म्युनिसिपल लिमिट। तो म्युनिसिपल लिमिट के लिए कौन सी होती है, तो क्लास A होती है। बोलोगे सर ये कहां लिखा हुआ है, तो बताता हूँ सॉल्यूशन इसके लिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, पहला ही क्वेश्चन है कि भैया आईआरसी स्टैंडर्ड लोडिंग फॉर ब्रिज डिजाइंस आर। ठीक है, कौन कौन से लोडिंग को कंसिडर करोगे, तो क्लास A लोडिंग को कंसिडर करोगे, क्लास B को करोगे, क्लास AA को करोगे और क्लास 70R लोडिंग को कंसिडर करोगे। नाउ अगर मैं बात करता हूँ भाई कि क्लास 70R लोडिंग की, ठीक है, अगर मैं क्लास 70R लोडिंग की बात करता हूँ, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, तो क्लास 70R लोडिंग को कहाँ अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, जितने भी रोड्स आप बना रहे हो, ऑल रोड्स ऑन विच परमानेंट ब्रिजेस एंड कलवर्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड, वहां पे आप क्लास 70R लोडिंग को कंसिडर करोगे, परमानेंट ब्रिजेस एंड कलवर्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड। अगला बात करें क्लास AA लोडिंग की, तो इसको कहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, दिस लोडिंग इज टू बी अडॉप्टेड विद इन सर्टेन म्युनिसिपल लिमिट्स। नाउ यही क्वेश्चन आया था आपको रिसेंटली कि म्युनिसिपल लिमिट के अंदर कौन सी लोडिंग कंसीडर किया था, क्लास AA लोडिंग कंसीडर करेंगे। ठीक है, इन सर्टेन एग्जिस्टिंग और इंडस्ट्रियल एरियाज और इन अदर स्पेसिफाइड एरियाज अलोंग सर्टेन स्पेसिफाइड हाईवेज। तो कहां कहां कर सकते हो, इंडस्ट्रियल एरियाज में कर सकते हो, हाईवेज वगैरह पे कर सकते हो। ठीक है, क्लास A लोडिंग कहां पे करोगे, अगेन दिस लोडिंग इज टू बी नॉर्मली अडॉप्टेड ऑन ऑल रोड्स ऑन विच परमानेंट ब्रिजेस एंड कलवर्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड, सेम एज द क्लास 70R लोडिंग। ओके, एंड क्लास B लोडिंग कहां कंसिडर करते हो, जनरली अडॉप्टेड फॉर टिम्बर ब्रिजेस, इसको जनरली टिम्बर ब्रिजेस के लिए अडॉप्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ के चले जाते हो ना बेटा, सिर्फ इतना ही, तो भी आपका काम हो जाएगा क्योंकि आपको पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे ब्रिजेस के। ठीक है,
ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, इतना ही था ब्रिज इंजीनियरिंग। इसीलिए इसके लिए कोई लेक्चर नहीं लिया मैंने, इसके लिए आपको एक छोटा सा वीडियो डाल दिया ताकि आप इसको पढ़ के पूरा कंप्लीट कर लो और अच्छे से तैयारी करो ताकि पेपर आपका आराम से क्रैक हो जाए। ओके चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी आपके एक मीटिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके गुड नाइट एवरीवन।